आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन बंद है। 18-44 का जो एज ग्रुप है, जो लोग बढ़ चढ़ के सामने आके वैक्सीनेशन लगवा रहे थे, जो कोविन ऐप पर अपने आप को इंथुजियाज़म से रजिस्टर कर रहे थे, आज उनके लिए एक हफ्ते से दिल्ली में कोई भी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की राज्य सरकार को किसी भी कंपनी से, चाहे भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट हो, पिछले 15 दिन से ज़्यादा से कोई भी वैक्सीन की डोज युवाओं के लिए नहीं मिली है। जब हमने इन कंपनियों से एडवांस पैसे देकर 1.5 करोड़ डोजेस खरीदने की बात करी, तो इन दोनों कंपनियों द्वारा हमें स्पष्ट तौर पे बताया गया कि वो उन्हीं को वैक्सीन भेजेंगे और उतनी ही वैक्सीन भेजेंगे जैसा केंद्र सरकार उन्हें बताती है। तो हमारी केंद्र सरकार से ये अपील है कि दिल्ली के युवाओं के लिए वैक्सीन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, क्योंकि अब एक हफ्ता होने को आ गया है कि युवाओं के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन युवाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध है महंगे प्राइवेट अस्पतालों में, और इन महंगे प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का दाम कहीं 900 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं 1200 रुपये, यहाँ तक कि 1400 रुपये पर डोज पर वैक्सीनेशन प्राइवेट अस्पतालों में लग रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार, जो दिल्ली की सरकार फ्री में वैक्सीनेशन युवाओं को लगवा रही थी, उनके पास आज लगाने के लिए वैक्सीन की एक भी डोज उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल महंगे महंगे दामों पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वो आज भी धड़ल्ले से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आज दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पतालों और सेंटर्स से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनके पास वैक्सीनेशन उपलब्ध है। हमारा केंद्र सरकार से ये सवाल है कि ये कैसा घोटाला है कि जो मुफ्त में वैक्सीनेशन कर रहा है उसके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है। आप सरकार को, राज्य सरकार को, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को नहीं बोलते हो कि हमें वैक्सीन दी जाए, लेकिन आप अनुमति दे देते हो उनको कि वो वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेच सके। तो दिल्ली में अभी भी 18 से 44 साल की उम्र के लिए कोई भी वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, और कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर, जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, चालू नहीं है। जहाँ तक कि 45+ के एज ग्रुप की बात है, अभी दिल्ली में कुल मिला के 3.5 लाख डोजेस अवेलेबल हैं, जिसमें से कोवैक्सीन की तकरीबन 40,000 डोजेस और कोविशील्ड की 3.25 लाख डोजेस उपलब्ध हैं। अभी जो कोवैक्सीन की डोजेस हैं, वो उन्हीं को लगाई जा रही हैं जिनको कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगनी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, काफ़ी दिन से कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, कई ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुका था और सेकेंड डोज के इंतज़ार में थे। कोविशील्ड का 14 दिन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी तक अगर हम दिल्ली का टोटल वैक्सीनेशन देखें, तो दिल्ली में अभी तक 53,42,386 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसमें 41,38,523 ऐसे लोग हैं जिनको एक डोज लग चुकी है, और 12 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है। ये दिल्ली के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो 45+ की कैटेगरी है, उसमें 50% से ज़्यादा दिल्ली की 45+ की आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, ना सिर्फ वो लोग खुद इस महामारी से बचेंगे, पर दिल्ली भी धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेगा, और ना सिर्फ वो लोग अपने आप को बचा पाएंगे, पर पूरी दिल्ली के लोगों को बचा पाएंगे। हमने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से, हमारे DM ऑफिसेस से टीम लोगों के घर घर जा रही हैं, उन्हें वैक्सीन के लिए बाहर बुला रही हैं। 45+ को अब ऑनलाइन रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में 100 से ज़्यादा वॉक इन सेंटर्स खोल दिए गए हैं सरकारी स्कूलों में। तो हमारा आपसे ये आग्रह है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप भी अपने घर से बाहर निकलिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि इस महामारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन।
दिल्ली में अभी 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, 50% वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द 100% लोग वैक्सीनेट हों और अपने आप को भी और पूरी दिल्ली को भी इस महामारी से बचाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।